आई एक भव्य अवार्ड शो के आरंभ कई जाओ और जोरदार ताली के साथ स्वागत कई जाओ आप सबके दुलरुआ लव बॉय प्रदीप पांडे चिंटू जी। कैसन बानी हमार भोजपुरी निवासी और कैसन बानी जा हमार कोलकाता के निवासी। ठीक बानी जा कोलकाता का तो शेर एक बार चिल्ला के बोलिए तो। अक्सर आप लोग किसी भी स्टेज पर जाते हैं तो देखिए हमारे बीच आए हैं खेसारी सर। उनका लगभग स्टेप ज्यादातर फेमस स्टेप है, मैं बताता हूँ वो कौन सा है। ज्यादा उनका फेमस स्टेप है ये वाला। अब ये तो हो गया खेसारी जी के बाद, और आप सभी के फेवरेट पवन सर का जो स्टेप है वो ये वाला स्टेप। और आप सभी जिनका अभी इंतजार कर रहे हैं हमारे चिंटू पांडे सर, उनका सबसे ज्यादा फेमस स्टेप है ये कि सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर, कि सोच मत अच्छा बुरा तैयार कर, ख्वाब टूटे टूटने दे टूट मत, तू हिमालय की बुलंदियों से ना डर, कि तू हिमालय की बुलंदियों से ना डर, तू है दरिया रास्ता खुद एक दूसरा तैयार कर। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी के चहीते सुपरस्टार चिंटू पांडे भैया को। कहा है चिंटू पांडे भैया, आपके लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए पांडे जी का बेटा हूँ, हाँ पांडे जी का बेटा हूँ, अरे पांडे जी का बेटा हूँ, मनोरंजन भरपूर देता हूँ। भैया हो रहे हमेशा फलत फूलत आबाद, अब भोजपुरी अपन जिंदाबाद। भोजपुरी के सम्मान होए पूरा दिल के, पूरा दुनिया के भोजपुरी देखे बोले सुने समझे वाला लोगन के, अपन भोजपुरिया परिवार के, भोजपुरिया जनता जनार्दन के, उनके अपन प्रदीप पांडे चिंटू के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम और सलाम। बार बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। आप सबके स्वागत बा भोजपुरी के सबसे भव्य, सबसे बड़ा, सबसे मनोरंजक और सबसे धमाकेदार अवार्ड शो जौना के नाम है दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड्स 2023। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड। तो कहो काल बा भैया हो के मोड़ा से कोलकाता। दंगल प्ले स्क्रीन हमें तुम्हार के ढेरों खूब भालोवासी। भाई अब लागता कि कोलकाता के धरती पर अपन भोजपुरिया झंडा लहरा रहल बा, अपना भोजपुरिया परिवार के बीच आयल बा। आज भोजपुरिया जहान के बाद सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहब अपन भोजपुरिया सिनेमा परिवार के, जितना भी महानुभाव, जितना भी महारथी, जितना भी हमनी के स्तंभ, जितना भी भोजपुरी सिनेमा परिवार लोगन के आगमन भइल बा, सब के ओके उनके अपन प्रदीप पांडे चिंटू हाथ जोड़ के स्वागत कर रहा बा। आप सबके तहे दिल से स्वागत बा आप सबके अपन पसंदीदा अवार्ड शो दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड 2023। स्टेज पूरा तो भैया हो तैयार बने आप सब आज के धमाकेदार कार्यक्रम खातिर। तो हम अपना अब बुलावल साहेब हुस्न के परी अपन अदाओं की मलिका हमनी के आप सबके बहुत ही फेवरेट अदाकारा अभिनेत्री जे कर रहल बाड़ी हर भोजपुरिया दिलों पर राज, उनका के हम बुलावल चाहें आप सबके जोरदार ताली के साथ हमार को एंकर जिनकर नाम है अंजना सिंह जी के। आय अंजना जी। भोजपुरी के सम्मान होए पूरा दिल के अरमान होए। नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू जी। के मोना के आमी तुमा के भालोबासी सब केहू के अंजना सिंह के प्रणाम बा। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड। अंजना जी
जब आप ये साल हमके लगा था कि कोरोना के बाद ये अपन अवार्ड हो रहा था, तो आप इससे पहले भी आए रहनी, अभी आप आ रहा बानी, आपकी कितना अंतर और कितना फर्क आपके लग रहा बा तब से लेकर और अब में? बहुत ज्यादा, कितनी लोगों के अंदर उम्मीद आप देख नहीं रहे, कोलकाता के लोग कितने ज्यादा संख्या में आए हुए हैं हमारा अवार्ड शो देखने। ये इन लोग का प्यार है कि इन लोग ने 2 साल से इंतजार किया है हमारा, तो मैं जितनी भी अपनी ये जनता है उसकी तारीफ करूँ वो कम है। मैं तो बार बार कहती हूँ कोलकाता वालों एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। तो चली दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड 2023 के जश्न के इस सफर के शुरुआत कर जाओ और मंच पर धमाल मचावे खातिर बुलावल जाओ भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्धि के चारों तरफ लहरावे वाला, अपना डायलॉग से पब्लिक के क्रेजी बनावे वाला। एक मिनट आप समझ गए? हम समझ गए। एनी गेसेस कि कौन आने वाला है इस मंच पे धमाल मचाने के लिए? कोई गेस है आप लोगों की तरफ? एनी गेसेस? अरे भैया ये हमके तो 7-8 नाम सुनाई देगा। 7-8 नाम? हाँ। हमको कुछ ना सुना देगा, कहे कि इतना कुछ लागल बना हमरा कान में कि हमको कुछ नहीं सुनाई देगा। बताई बताई जल्दी से बताई रहुआ क्या आ रहा बा? अपना प्रसिद्धि के परचम पूरा भोजपुरी में लहरा रहल बाड़े और उनके डायलॉग से हर एक पब्लिक एकदम पगला जा रहल बाड़े। वाह। उनकर नाम है एक्शन स्टार यश कुमार जी। जीना है तो उसमें जी, जो सब में रम जाते हैं, इसीलिए तो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। पहले के जमाना में लोग छप्पर के घर बनावत रहे ना, अब जमाना बदल गए बा, अब पक्का के मकान हो गए बा, इससे अब छत फोड़ परफॉर्मेंस एकदम। ओ मतलब कि मुहावरा भी
समय के हिसाब से परिवर्तित होत रहेला। हाँ बिल्कुल, समय के साथ मुहावरा भी और साथे साथे सिनेमा भी के परिवर्तन जरूरी बात। एक मिनट हाँ। मैंने कुछ देखा चिंटू जी। क्या? मैंने देखा देव सिंह संजय पांडे जी एक साथ बैठे हैं। दोनों खलनायक एक साथ, तो मैं दोनों खलनायकों के पास ही जाना चाहूंगा जो मेरे बहुत ही दोनों प्रिय हैं, संजय पांडे जी। देव ने मूंछ मत बनाई, आइए बाहर आइए। देव जी आप भी आए, देव जी प्लीज आप भी आए। क्या दोनों से 1-to-1 हीरो और विलेन का जो साथ होता है, जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए, देव पांडे जी के लिए। आप दोनों हमारे इंडस्ट्री के महान खलनायक हैं। आप दोनों के साथ काम करके जब भी मैं काम करता हूं तो इतना मजा आता है, और मैं तो अपना पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूं, लेकिन जब ऑडियंस आप लोगों को देखती है, कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ तालियां भी देते हैं। लव यू, गोल लगा दिया चाचा। थैंक यू सो मच, थैंक यू चिंटू बाबू। चिंटू बाबू के साथ मैं, पहली फिल्म हमारी थी दीवाना, देवरा बड़ा सतावेला, मतलब जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खूबसूरत अदाकार हैं। और अंजना जी आए हैं, आए हैं। ये विलेन का ये असली वो तरीका होता है हीरोइन को गले लगाने, ये आए हाय वाला मेरे लिए तो नहीं निकला। अंजना जी आए हाय, आए हाय। विलेन हूँ, क्या करूँ, आदतें जाती नहीं है। देख रही आंटी घर पे देख रही, और देखिए देव भाई पूरे तरीके। अच्छा आपका तो ठीक है, कुछ बोल देव भाई, आप बताएं कि आप दोनों जब साथ में वहाँ बैठे हुए थे और हम लोग जब बातें कर रहे थे, तो आप लोग क्या खाना पूछी दोनों विलेन लोग बैठ के कर रहे थे? मैं बताती हूँ। हाँ मैं बताती हूँ। बताइए। ये लोग बात कर रहे होंगे कि देख तेरा परफॉर्मेंस उसमें ठीक था, हाँ, लेकिन अभी तू जूनियर है, तुझसे अच्छा मैंने किया था तो शायद मुझे मिल जाए। हम लोग क्या बात करते, सुनिए। मैं बोल रहा था भैया हीरो आ गया, हीरोइन भी आ गई, अब गुंडे की एंट्री कब होगी, छेड़ने वाली। संजय जी आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसका सही से जवाब दीजिएगा। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई वाली बात नहीं। कहो तो गीता पे हाथ रख के कसम खा लूं। नहीं अंजना जी पे हाथ रख के कसम खाएंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। हाँ तो सवाल यह है कि आपके हिसाब से भोजपुरी सिनेमा में आपका सबसे प्रिय हीरो कौन है? चिंटू पांडे। झूठ बोले। लव यू। जोरदार ताली बजाइए भैया। अंजना जी एक सेकंड, एक सेकंड, सबसे बेस्ट अभिनेत्री कौन है? अंजना सिंह। ये हमारा जो भोजपुरी सिनेमा परिवार वो इतना प्यारा परिवार है कि हम सभी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो बस अब टाइप क्या, आप सब लोग अपन सीट ग्रहण करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई हमारा। आई 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 अब बढ़ल जाओ अपना अगला परफॉर्मेंस की तरफ, काहे कि हम जान रहल बानी आप सब लोग बैठल थक गए बानी, तनी कुछ चाही चाही ना हो। ऐसे हम मंच पे बुलावे जा रहल बानी एगो खूबसूरत जोड़ी के, भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत के चमकता सितारा अंकुश और राजा भाई। आओ राव राव अंकुश राजा के साथ साथ आप सब के 440 वोल्ट के जो झटका देता रही माही जी के बहुत बहुत स्वागत बा। Yeah,
चल चल तो लागे आधे हीरो नियम आधे है ऐठे तलागे ले घिरनी नियन हिको दिको हो मर लपको बाटे मन ठीक बाओ और कैसे छुई भरल बीख हर बिरनी नियन एक और कह मर लपकौ बाबा एक और चुना दी छलकौ बाबा एक और चुना दी छलकौ कैसा लागला परफॉर्मेंस? तनी सीटी मार के बताई कैसा लागला परफॉर्मेंस? कोलकाता के स्टेडियम हिल जाए के चाहिए। तनी जोरदार ताली के साथ बताई कैसा लागला परफॉर्मेंस? के करा माथे चढ़े यम की नंबर वन की ताज के करा माथे बस चली जब तक छिंटू जी अपन फैन लोगन के साथ सेल्फी खिंचा रहल बानी अवार्ड के सिलसिला शुरू कल जाए। बिल्कुल अवार्ड के सिलसिला शुरू कल जाए और यही सिलसिला में सबसे पहला अवार्ड के शुरुआत हमनी के अपन बेस्ट एडिटर के अवार्ड से शुरुआत कल जाओ और बेस्ट एडिटर के अवार्ड के विजेता के घोषणा करे खातिर हम मंच पर आमंत्रित कल चाहे अरुण कुमार गनेरी वाला जी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कल्पवृक्ष कैपिटल और एडिटर जितेंद्र सिंह जीतू। बेस्ट एडिटर अवार्ड गोज टू जितेंद्र सिंह जीतू जी के भोजपुरी के। कहीं व्यस्त नहीं आए मैं एज ए ब्रदर मैं उनको लेने के लिए आया। जोन कैटेगरी हो बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के अरुण जी क्यू कार्ड प्लीज। बेस्ट आर्ट डायरेक्टर अवार्ड गोज टू नाजिर शेख और ससुरा बड़ा सतावेला एक बार जोरदार ताली भैया हो। नजीर भाई भी शूटिंग कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद उनकी तरफ से पूरी टीम को शुक्रिया थैंक यू। आपको पता है हमारे गांव में ना एक बूढ़े चाचा हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हीरो की लाइफ में ना जितना टेंशन होगा फिल्म में उतना ही भयंकर एक्शन होगा। हाँ तो समझ रहे ना अगला अवार्ड क्या है। सही बात कहला ना बुढ़वा चाचा आपके। बिल्कुल काहे कि जबले ना बढ़ी गुंडन के अत्याचार तबले हीरो कैसे करी मार धार। जी हाँ बिल्कुल बेस्ट एक्शन डायरेक्टर के और ये अवार्ड के घोषणा और सम्मानित करे खातिर हम बुला रहल बानी मौलिक तौलिया जी MD बोधित्री जीव का लेटेस्ट क्यू कार्ड प्लीज। हीरा यादव और आशिकी। ओ हो हीरा यादव जी बधाई हो। पवन पांडे भाई पवन पांडे जी अवार्ड लेने आए हैं। चलिए हीरा यादव जी यहाँ उपस्थित नहीं है उनके बदले में ये अवार्ड लेते। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बढ़ल जाओ हमने के अगला अवार्ड की तरफ और बुलावल जाओ अगला अवार्ड देवे खातिर जोन अवार्ड की कैटेगरी है बेस्ट
कॉस्ट्यूम डिजाइनर के हम अवार्ड देवे खातिर बुला रहे बानी अशोक पांडे जी के एमडी जेएमडी टावर द अवार्ड गोज टू विद्या विशु मौर्य दंगल पे विद्या जी हम सबकी बहुत ही सही और लाडली डिजाइनर आ जाए आ जाए बहुत बहुत बधाई हो यहाँ से अवार्ड ले लें जोरदार ताली इस अवार्ड के लिए थैंक यू सो सो मच अब अगला अवार्ड जब हम लगाते हैं ठुमका अरे 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 चिंटू जी ये कब किया शादी कब कर ली आपने शादी हाँ शादी कब कर राज जी कब शादी करा दी आपने इनकी क्योंकि बीवियां ही हैं जो नचाती हैं मेरा शादी हो गया मुझे ही नहीं पता चला कब हुआ अभी बात कर रहे थे ना मैं नाश्ता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ शादी कब हो गई आपकी अच्छा अरे 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 नाश्ता हूँ के मतलब ऐसा बांजना जी कि हमने के जो फिल्म में जो नृत्य करने जा आपके तो पता बा अब वो अवार्ड बा वही खातिर यानी के बेस्ट कोरियोग्राफर के अवार्ड और ये अवार्ड जा रहा बा वो पता चली आप सबके क्यू कार्ड प्लीज द अवार्ड गोज टू कानू मुखर्जी और दे दिया के देवर दिल ले गई उनकी फिल्म से कोई है तो प्लीज कम स्क्रीनिंग स्टेज अवार्ड दंगल थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर और अगला अवार्ड बाप बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के विजेता के नाम के घोषणा करे खातिर और सम्मानित करे खातिर हम मंच पे आमंत्रित कर रहल बानी TWC कंपनी के कर्ता धर्ता मनोज तिवारी जी के और वहाँ के पत्नी राका जी के एंड द अवार्ड गोज टू बेस्ट सिनेमेटोग्राफी RR प्रिंस बोल राधा बोल फिल्म के निर्माता स्वयं विजय यादव जी आर आर बानी आई विजय जी अब बताई कि अगला परफॉर्मर के बाद ओके तो भैया के बुलाओ जाओ अगला परफॉर्मर जोन बारे वो नयका जवान जिनके आवाज और अंदाज बा उनकर पहचान आप समझ गए लोग हम राकेश मिश्रा जी के एक बार जोरदार बिल्कुल एक बार जोरदार ताली से स्वागत करी राकेश मिश्रा जी के और उनके साथ जलवा बिखेरे आरहल बाड़ी मासूम चेहरा और नसीली निगाह वाली रक्षा गुप्ता जी के एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करी राकेश मिश्रा जी के और रक्षा गुप्ता जी के Yeah.
क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा, हम मजा आ गया एकदम, दिल गदगद हो गया जी। तो जानता नहीं अंजना जी, आपसे एक और सवाल पूछल चाहे। हाँ जी पूछिए। आप अपना भोजपुरी सिनेमा के इतिहास के बारे में कुछ जानता नहीं? रवा पूछिए, हम जवाब दें। रवा पूछिए एकदम, मतलब पूरा एकदम फुल तैयारी में मानी। बताएं कि भोजपुरी फिल्म के सबसे पहल का सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा का सबसे पहला सिनेमा जो था उसका नाम था गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाई बो। और चिंटू जी, मैं जी। आपके साथ में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। आपको पता है जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेता नाजिर हुसैन जी से कहा, इच्छा व्यक्त की कि मैं एक भोजपुरी सिनेमा देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। और राजेंद्र बाबू जी के यह इच्छा न्यू बनल हमने के भोजपुरी सिनेमा के, भोजपुरी फिल्म के इतिहास के विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी जी फिल्म के प्रोड्यूसर बननी और निर्देशन की जिम्मेदारी मिलल कुंदन कुमार जी के। वो मेरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितना भी बड़ा बड़ा कलाकार, जितना भी बड़ा बड़ा एक्टर रहे और जितना भी भोजपुरी बोले वाला रहलन जो हिंदी इंडस्ट्री में, उस सब लोग वो फिल्म में काम करे। और कुछ इंटरेस्टिंग बात हम आपके बता दे रहे जी, कि वो फिल्म के जो गीत लिख ले रहे थे वो थे शैलेंद्र जी, जो कि मूलतः आरा के निवासी थे, जो फिल्म का गीत तैयार किया था गोपालगंज के चित्रगुप्त जी ने। और पता बा, गंगा मैया तो पियरी चढ़ेवो में वो फिल्म में गीत के गले रहे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, स्वर सम्राट मोहम्मद रफी जी, उषा मंगेशकर जी और सुमन कल्याणपुर जैसन सिंगर, इतना बड़ा बड़ा महान थे और इतना अच्छा अच्छा सिंगर लोगों में गाना गाते रहे। बड़ा रोमांचक बा भोजपुरी सिनेमा के अपन इतिहास। चिंटू जी, ये जो आप इतिहास की बात कर रहे थे, इसी इतिहास में आज का दिन भी एक इतिहास लिख रहा है। हमारा भोजपुरी सिनेमा चैनल है, उसके भी 8 साल पूरे हो गए, तो एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। भोजपुरी के सम्मान हुए पूरा दिल के, हमने के सामने देख लिया भोजपुरी के क्वीन, बहुत ही खूबसूरत हमने के फेवरेट, आप सबके बहुत ही चहेती, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करी आम्रपाली दुबे जी के। देख लेनी, वैसे आम्रपाली जी का कमाल के लग रहे बानी आप। चिंटू जी जरा अपना दिल संभालिए, आजकल आम्रपाली जी जरूरत से ज्यादा बाउंसर लेके घूम रही हैं, है ना? संभल के रहिए आप। और इसी बीच देखिए हमारे अवार्ड में आ चुके हैं गोविंदा जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जंगल प्ले स्क्रीन स्टेज अवार्ड 2023 में द गोल्डन सा मिलेनियम स्टार, हम सब के बीच आप सब के और मेरे बहुत ही फेवरेट गोविंदा जी आ चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए गोविंदा जी के लिए। जोरदार ताली। तो चलिए चिंटू जी बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी में है, जो है बेस्ट लिरिस्ट अवार्ड। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं अनिल राय जी, चीफ एडिटर समग्मा। स्वागत है अनिल राय जी। एंड द बेस्ट लिरिस्ट अवार्ड गोज टू श्याम देहाती, फिल्म आशिकी। अपना दिल के तू दे। श्याम देहाती जी के अवार्ड बा, के वो आके अवार्ड के ग्रहण करें। पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम। हम आशा करत आनी कि रउआ लोग बहुत ज्यादा खुश बानी आपन सब फेवरेट कलाकारन के देख के। बाकी हमनी लोग के गाना के जे हिट बनावे ले ओमे बहुत बड़ हाथ
लिरिसिस्ट के भी होला और हमनी के इंडस्ट्री के बहुत अच्छा अच्छा गाना देले बड़े आज हमनी के बीच में नहीं खे। ये अवार्ड श्याम देहाती जी के है, लेट स्वर्गीय श्री श्याम देहाती जी, और हम सब उन्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन हमारी फिल्मों के माध्यम से, ऐसे गानों के माध्यम से, उनकी म्यूजिक के माध्यम से वो हमेशा याद रखे जाएंगे। अपना दिल के तू दे दम। थैंक यू सो मच आशा भाई जी, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का, और इसे प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं मिस्टर संतोष मिश्रा जी डायरेक्टर। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर गोज टू दिव्या के देवर दिल ले गई, मधुकर आनंद। मधुकर आनंद जी के चार अल्बम बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड। नमस्कार प्रणाम, हम रुआ लोग के संगीतकार मधुकर आनंद। आज बड़ा खुशी भइल, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने तमाम ऑडियंस को, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए आप लोग। इसके बाद एक अवार्ड जिस कैटेगरी के लिए जा रहा है वो है बेस्ट सिंगर मेल, और बेस्ट सिंगर मेल अवार्ड गोज टू केसारी लाल यादव जी। बेस्ट सिंगर गोज टू केसारी लाल यादव जी। I love you. सुना ये जान हमरा प्यार के ककहरा, एही में मेहर के सुख मिली तहरा। कलकत्ता के जितना भी लोग बा, कलकत्ता में वाले की हाँ तो हमारे हाथे घर में घुसा ना, इसे सबके गोद छू के प्रणाम करते हैं। देखो हालो मार के ताली बजा का आशीर्वाद दे दलो। सुना ये जान हमरा प्यार के ककहरा, एही में मेहर के का हवे इका हा, इहा राउर मेहनत, इहा राउर आवाज, इहा राउर के गाना जेकर मिलल बा आपके अवार्ड। रवा बानी बेस्ट सिंगर, हमने के इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगर। अब रवा मंच पे आयल बानी तो ऐसे नहीं जाएगी, कुछ गाए के तो पड़ी। कि सवरिया हर दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लागेला। तो थैंक यू सो मच, ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड ये मेरा नहीं बल्कि आप सबका प्यार है कि आप लोगों ने मुझे बेस्ट बनाया। हम तो सिर्फ गाते हैं और आप पता नहीं कब मुझे बेस्ट बना देते, मुझे पता ही नहीं चलता। बस थैंक यू सो मच, और पूरे इस जूरी भोजपुरी सिनेमा जितने भी इस मेंबर हैं अवार्ड शो के, और हमारे बड़े भाई जितने भी यहाँ पे आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये होता है कलाकार, ये होता है एक दूसरे के लिए सम्मान। मैं क्या बोलूं, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं। मैं अभी देखा मेरी ऐसे इंसान पे नजर गई कि वो मेरे लिए इंसान नहीं भगवान है, जिनको मैं हमेशा, अगर मैं डांस कहीं सीखा नहीं लेकिन इनको देख कर आज एक भोजपुरी फिल्म का एक्टर बन गया। आपकी ये इच्छा पूरी कर देते सर, गोविंदा जी भी यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे, अगर दो ठुमके लग जाए तो क्या कहना है, क्या बोलती है पब्लिक। प्लीज सर, प्लीज सिर्फ सिर्फ दो स्टेप, प्लीज प्लीज कम। Yeah.
सुख मिली तहरा तो सुनाओ सुनो ये जान हमरा प्यार के ककहरा एही में हर के सुख मिली तहरा बस कमाए तो बस खियाए बस पोड़ो दबाई बहो से घर में घुसल छोड़ा के ना बाहर रह जाई बहो से घर में घुसल विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद् भद्रं तन्नासव त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्रहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है भोजपुरिया सिनेमा जो है छा गया है और भोजपुरिया सिनेमा के वजह से ऐसे नए और अच्छे कलाकार आ रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं और सिनेमा के माध्यम से शक्ति प्रदान हो रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुनः पुनः ऐसे अच्छे आर्टिस्ट आए जो सीनियर का रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खुश रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे अवार्ड ईश्वर प्रदान करे। बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सो मच किसारी जी, थैंक यू सो मच गोविंदा जी। चलिए हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी व अगला अवार्ड के उबा बेस्ट सिंगर फीमेल, और ये अवार्ड देवे खातिर हमने मंच पे बुलावे के चाहतानी संतोष मिश्रा जी के। दंगल प्ले स्क्रीनिंग स्टेज अवार्ड बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड गोज टू प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह जी फॉर टोली सजा के रखना। वाह क्या बात है, प्रियंका सिंह जी के बहुत बहुत बधाई। कि जैसे मारे भक्त जो उन्हीं के रतिया में हंजूर रे सखी। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी जूरी मेंबर्स का, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को जिन्होंने इस गीत को और भी बेहतर बनाया, इतना सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया इस गीत को। भैया आप देखा वैसा हो गए भाग की, अब सबसे धमाकेदार खबर आयल बा। खबर यह आयल बा अंजना जी कि हमनी के भोजपुरी के जोन तीन स्तंभ यानी के अपन तीन सुपरस्टार्स जुबली स्टार्स के साथ साथ माननीय सांसद यानी के एकदम सही समझनी है श्री मनोज तिवारी जी, श्री रवि किशन जी और श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के परफॉर्मेंस बा। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी आप सबके भोजपुरी इंडस्ट्री के त्रिमूर्ति जोना इंडस्ट्री के पास त्रिमूर्ति बाजस्ट्री के गेहूं के नजर लगी ना सकेला। तो एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करी श्री मनोज तिवारी जी के, श्री रवि किशन जी के, श्री दिनेश लाल यादव जी के। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी। रउआ सभे खातिर बा एगो धमाकेदार सरप्राइज, काहे कि आ रहल बाड़न भोजपुरिया त्रिमूर्ति। तो जोरदार ताली के संगे स्वागत करी मनोज जी, रवि जी और दिनेश जी के। भोजपुरी के सम्मान हुए, पूरा दिल के अरमान हुए। भोजपुरी के सम्मान होए, पूरा दिल के अरमान होए। सितारन के अभिनंदन बा, आदर्शक के भी वंदन बा। केकरा माथे चढ़े अपनी नंबर वन की ताज, केकरा माथे चढ़े
विनिंग स्टेज अवार्ड। भोजपुरी के सम्मान हुई, पूरा दिल के अरमान हुई, सितारन के अभिनंदन बा, आदर्शक के भी वंदन बा, कि गरा माथे चढ़े अपनी नंबर वन की ताज। वाह वाह, जोरदार ताली एक बार, छप्पर फाड़ के। आप सब लोग इनके प्रणाम बा, दोनों हाथ उठा के सब लोग नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बधाई देव साहब, और हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देव साहब आपके, श्री मनोज जी के और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के। यह जोश बनौले रखा, जियो जियो शेर, तभी ना कहा जाला जिंदगी झंडबा। फिर भी गमंडबा, मतलब एकर जान ला, एकर मतलब बा जेब में चवन्नी नहीं है, पैसा नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हो जिंदगी के साथ, अपने जिंदगी के दुर्योधन से लड़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना सेल्फ, अपना स्वाभिमान उसको कड़क रखिएगा। मेहनत कर रहा हूँ कलकत्ता की धरती पर, स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान एगो भोजपुरिया स्वाभिमान। हम आप लोग से बहुत विशेष बात कहल चाहता नहीं, रवि किशन बा, दिनेश लाल यादव बा, और मंच पे मनोज तिवारी बा, लेकिन भोजपुरी के मान बढ़ावल सबकर जिम्मेदारी बा। बिल्कुल, भोजपुरी सिनेमा के ओनर मनीष जी, मनीष जी कैसे? अरे मनीष जी, भोजपुरी सिनेमा देखे ना जाना, तो जो भोजपुरी सिनेमा के ओनर बड़े उनके खातिर एक बार ताली बजाओ। मनीष भाई एक बार खड़ा हो जाओ अपनी जगह पे, दिखा देना हमारे मनीष जी दंगल भोजपुरी सिनेमा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद रवि बाबू, हमनी के बस
खड़ा होके के जगह मिल जाए के चाही, हमनी के सूते बैठे के जगह बना ले जाए। आप सब लोग के बहुत प्यार, बहुत दुलार, और ये जिंगा जितना लोग इकट्ठा भइल बा, एक बार एहनियो खातिर ताली बजे के चाही, एक बार एहू लोग खातिर ताली बजे के चाही, और एक बार सब लोग मिलके हमनी के शपथ लेवे के कि टाइम अपने आप में शपथ लेवे के बा कि खाली हमनी के भोजपुरी के अपने इंजॉय निखे करे के दुनिया के बीच में होके प्रतिष्ठापित भी करे के बाकी। बिल्कुल, ये शपथ लेवे के सिनेमा ऊंचा जाए, बहुत कुछ होखी, और आप सब लोग के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूरी टीम को, आप लोगों ने इतना शानदार हमनी के पूरा समाज खातिर एगो कार्यक्रम भी कोलकाता में हर साल होला। जितने भी मंच से जुड़े हुए लोग हैं, सबका नाम हम नहीं जानित, लेकिन सबको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आएगी समस्या बहुत बहुत, पर धैर्य बनाए रखना, भोजपुरी के झंडे को आसमान में जगाए रखना। वाह क्या बात है। एक चीज ध्यान रखिए लो, चाहे रही कोलकाता दिल्ली, चाहे रही मसूरी में, लिखी पढ़ी कोनो भाषा, भोजपुरी में। तो भोजपुरिया समाज के खातिर एगो खुशखबरी बा, मेरी पूरी इंडस्ट्री यहाँ बैठी है, मेरा परिवार है, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप गोरखपुर में मैं फिल्म सिटी बनाने जा रहा हूँ, 500 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री की रचना, क्योंकि हमारे पास कोई छत नहीं थी। भोजपुरी इंडस्ट्री एक लावारिस इंडस्ट्री थी, वो कहीं हर जगह जंगल खेत में जाके शूटिंग करती थी, उसको एक छत देना एक दायित्व था, एक मेरी लड़ाई थी, और वो गोरखपुर में अब हो रहा है। तो चिची भैया, मेरी इंडस्ट्री के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए जिसने हम लोगों को जिंदगी दी, कुछ रिटर्न, इसको कहते हैं टाइम टू पे बैक। तो ये मेरा प्रयास था, ये मेरी बहुत लंबी लड़ाई थी, 18-20 साल से मैं लड़ रहा था, अब जाके वो सपना शुरू होगा। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, हम आप लोग से कुछ मांगल चाहता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग देव जा देंगे, तो बस इतना ही करिएगा, इतना करिया जा कि जो भोजपुरी सिनेमा पे हर सप्ताह नया फिल्म आवता देखल करिया जा। भोजपुरी, लेकिन आज हम खाली एक चीज चाहता नहीं कि आज हम चाहें कि आप रवि जी के कौनो एगो डायलॉग रवि जी के अंदाज में आप बोली। रवि जी कौनो डायलॉग? हाँ। सीधा बोलने हुई है तब तो बोलल जाए। इनकर डायलॉग मनोज तिवारी के डायलॉग देख के बन जाए। अच्छा, देखा सुना। हाँ। तो इनकर डायलॉग इतने बा। हाँ। कि रवि किशन, रवि किशन हुए, उनका से अझुरा मत, उनका से थोड़ा दूरे रह, उनके अंदाज में, रवि जी के अंदाज में। हाँ, इनके। हाँ, गर्दा उड़ी हो, आज आप लोगों के लिए मनोज बाबू नाचेंगे, तो आप लोग को सरप्राइज होगा, और प्रभु देवा भी शर्मा जाएगा। चिची भैया के सामने मनोज बाबू मून वॉक करेंगे आज, और वेव करेंगे, और देखिए बड़ा रिहर्सल हुआ है। आज की रात मनोज तिवारी जी ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट करने वाले हैं कि आप देखिएगा। हे बाबू, हे बाबू, हे बाबू, हे हे बाबू। सारे बाबू यार आवा, आओ, और किसको चाहते हैं? केसारी बाबू 2 मिनट तू अभी गाना गा दे, तुम्हारा एकदम गाना सुनना चाह रहा है लोग।
कि मान करे छोड़ दी, अरे कहिल पढ़ाई होला ई सकुलिया में, अरे बहुते लड़ाई धके कोनो गाटा खींच ले ले बा दुपट्टा हमर जीवा जरा दे ले बा, तो तोरा अखिया के कजरा है जा झगड़ा करा दे ले बा। आप लोग विराजे, हम लोग अपना सिलसिला आगे शुरू करते हैं। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड। अंजना जी, एक बात आपसे पूछे के रहे। पूछी कि एगो एक्टर खातिर सबसे कठिन का होला? वैसे तो देखल जाए सब कुछ ही कठिन होला। हाँ। लेकिन एगो एक्टर खातिर सबसे ज्यादा कठिन होला केहू के हसावल। देखा यही से हसावल यानी कि जोन हमनी के फिल्म में कॉमेडियन एक्टर्स होले उनके हम मतलब उनका सल्यूट कर चाहे कि कौनो भी परिस्थिति हो के कौनो भी सिचुएशन हो के लेकिन वो अपना कलाकारी से आप सबके हसावे से बिल्कुल ना चुकेलन। ताई अब अपना अगला कैटेगरी की तरफ बढ़तानी, बुलावल जाओ ये अवार्ड के प्रेजेंट करे खातिर यानी कि बेस्ट एक्टर कॉमेडी अवार्ड के प्रेजेंट करे खातिर सुशील सिंह जी के जे डिजिटल हब बानी। सुशील सिंह जी आपके स्वागत बा। एंड द बेस्ट एक्टर कॉमेडी गोज टू संजय वर्मा फॉर बोल राधा बोल। एक बार संजय वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार प्रणाम, हम बानी राहुल संजय वर्मा रघुआ लोग के गोड़ सुखे गोड़ लगाते हैं। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड 2023 जौना में हमरा के मिलल बा बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड। आप लोग के तहे दिल से धन्यवाद, बहुत मिस कर रहा बानी भैया। ना आ पैनी है अवार्ड में, कैसे हमारे रहे शूटिंग, लेकिन हम बैठ के देखब टीवी पे कि हम हूँ ना आई नहीं है, लेकिन रघु लोग खूब इंजॉय करनी है और हमें उम्मीद बार रघु लोग खूब इंजॉय करते हो तो इंजॉय करी। फिर से दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड 2023 की तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट चाइल्ड एक्टर की। बेस्ट चाइल्ड एक्टर गोज टू आर्यन बाबू। आर्यन बाबू बेस्ट चाइल्ड एक्टर। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड। एक बार जोरदार ताली आर्यन बाबू के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। चलिए बढ़ते हैं चिंटू जी अपने नेक्स्ट अवार्ड की नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी की तरफ जो है बेस्ट नेगेटिव एक्टर यानी के जो खलनायक विलन। एंड द अवार्ड गोज टू देव सिंह फिल्म जय शंभू। वाह, बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड जाता है देव सिंह जी को फॉर फिल्म जय शंभू। स्टेज पूरा हंसा जलवा, कलाकार लोग भी मौजलवा, कुछ फिल्म ऐसी होती है जिसमें आप बहुत मन से काम करते हो और उसके लिए अगर आप लोग भूल जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये अवार्ड मिला तो मुझे लगा नहीं अच्छे काम को लोग याद रखते हैं, तो जय शंभू की पूरी टीम को मैं ये डेडिकेट करता हूँ अवार्ड। रवि जी को देख देख के सबके साथ अभी लवी लोकतंत्र में मैंने काम किया सर के साथ, तो आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा काम करूँ और आप सबको ऐसे एंटरटेन करता रहूँ। थैंक यू। अभी मैं बुला रहा हूँ जो अपन अगला कैटेगरी के अवार्ड देवे खातिर जोन की बा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जे देवे खातिर आ रहा बाड़न। ललित बेरीवाला जी और उनकी धर्म पत्नी मिसेस मंजू लता बेरीवाला जी और जो कि श्याम स्टील ग्रुप से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जय बिहार। क्या बात है, जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। जय भारत। श्याम स्टील परिवार की तरफ से पूरे देश से आए हुए विशेषकर हमारे मनोज भैया, हमारे अब गोविंद भैया, हमारे रवि किशन जी, हमारे निरुआ भैया, दिनेश लाल जी यादव, सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और बेस्ट एक्टर फॉर सपोर्टिंग अवार्ड श्याम स्टील की तरफ से मैं अपना नाम जरूर लूंगा भाई साहब, संजय पांडे जी। संजय पांडे जी ससुरा बड़ा सतावेला। मौगी से हमारा मिलन देला,
के राखी अकेले मौगी से हमारा मिले न देला लागता बेटी के राखी अकेला हरदम। थैंक यू सो मच जूरी जिन्होंने इस सम्मान के काबिल समझा, और थैंक यू सो मच ऑडियंस जिन्होंने मुझे हर रोल में एक्सेप्ट किया। मैं विलन बना तो भी एक्सेप्ट किया, मैंने कॉमेडी की तो भी एक्सेप्ट किया, सपोर्टिंग रोल में एक्सेप्ट किया मुझे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप एक्सेप्टेबल हैं महाराज, यू आर सच एन एक्टर, यू आर सच एन एब्सोल्यूट मतलब अमेजिंग एक्टर, आप हैं एक्सेप्टेबल। तो अब अगल आगे आकर के इस मंच को संभालने वाले हैं पूनम दुबे जी और यश कुमार मिश्रा जी, तो एक बार आप लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और स्वागत करिए पूनम दुबे जी और यश कुमार मिश्रा जी का। धन्यवाद। अभी कोलकाता रसगुल्ला, अभी कोलकाता रसगुल्ला, हेलो नमस्ते प्रणाम, तो जे जे रवा में जवान बाप प्लीज जोरदार ताली बजाई। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक अवार्ड, और मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं श्री सुचंदन चौधरी, क्लस्टर हेड सेल्स, अडानी विल्मर लिमिटेड। मनीष जी को भी आमंत्रित करता हूं कि मनीष जी आप भी आएं, भोजपुरी सिनेमा के मालिक। जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड फिल्म नाच वेजू नाच, दिनेश लाल जी को। स्टेज पूरा हंसा जलवा, कलाकार लोग भी मजलवा, लागी डांस या कॉमेडी के तड़का, यह गाना बाजी सजरी सुना रखा, ढोलक या हारमोनिया बांधे बाजा तावे साज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म जब मेरे पास लेके आए थे जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विजय जी, तो मुझे जब वो फिल्म की कहानी सुना रहे थे तो मैंने कहा कि ये कौन देखेगा फिल्म, आप इस तरह की फिल्म बना रहे हैं इसको देखेगा कौन। तो उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म अवार्ड के लिए बना रहा हूँ। मैं बोला अच्छा है, एक फिल्म अवार्ड के लिए भी करना चाहिए। और सच में वो उनका विश्वास जो था विजय जी का, वो सच में आज सार्थक हुआ, और वो फिल्म आप भी देखेंगे, आपको भी आनंद आएगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने रवि किशन भैया को। इसी कलकत्ता की धरती पे मैं पैदा हुआ, इसी बंगाल की धरती पे मेरा जन्म हुआ, और जिस दिन मैंने पहला गाना टीवी पे रवि किशन भैया का देखा था, उस दिन ऐसे छाती गर्व से चौड़ी हो गई कि मेरी भोजपुरी भी टीवी पे आ रही है, और उस दिन ऐसा लगा कि कभी मौका मिला तो हम लोग भी इस फील्ड में जाएंगे। जितने भी यहाँ कलाकार हैं, चाहे मैं हूँ, यश जी हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, सभी कलाकारों के लिए भगवान तुल्य हमारे मनोज तिवारी भैया जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से गायक भी ये सोच पाता है कि वो भी हीरो बन सकता है। ये राह आपने बनाई, जब आपने ससुरा बड़ा पैसा वाला किया उसके बाद हर गायक की किस्मत चमक गई और एक सिलसिला शुरू हुआ, गायक भी हीरो बनने लगे और फिर हम लोगों को भी मौका मिला। तो आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं, और हमेशा आपका आशीर्वाद प्यार इंडस्ट्री पे ऐसे ही बना रहे, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री हम लोगों का एक परिवार ही है। यहाँ हमारे राजकुमार पांडे सर बैठे हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो छोड़िए, हम लोग को खड़ा होने नहीं आता था। राजकुमार सर बताते थे कि ऐसे खड़े होइए दिनेश जी, बाल ऐसे रखिए दिनेश जी, ऐसे करिए। तो एक एक चीज आप लोगों ने, मतलब जो कभी एक्टिंग जानता भी नहीं था उसको भी आप लोगों ने संवारा है। रत्नाकर सर यहाँ पे उपस्थित हैं, आपने कभी नहीं देखा कि हमें मुनाफा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, आपने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोचा, भोजपुरी के लिए सोचा, इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूँ। तो आप सब लोग ऐसे ही भोजपुरी को बना के रखिए, भोजपुरी के प्रति जो आपका प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखिए। हर कोई बिजनेस के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम करता है, लेकिन हम सबको इस माँ भोजपुरी के बारे में भी सोचना चाहिए जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। जोरदार तालियां दिनेश भैया के लिए। थैंक यू सो मच मनीष जी। अब हम सबके बीच अपनी परफॉर्मेंस लेकर के आ रहे हैं, दमदार परफॉर्मेंस
चिंटू पांडे जी। एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रदीप पांडे और चिंटू।
बारी है बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस फीमेल एक्ट्रेस की, जिस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ राजकुमार पांडे, बीपी सेल्स एंड मार्केटिंग, श्याम स्टील्स ग्रुप, और उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं संजय पांडे जी पांडे। और ये अवार्ड जाता है अनारा गुप्ता जी को। ये अवार्ड अनारा जी को मिल रहा है, जोरदार ताली अनारा गुप्ता के लिए। दंगल प्ले स्क्रीनिंग एंड स्टेज अवार्ड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये फिल्म मुझे कुछ कहना के लिए मिल रहा है, चिंटू जी थे उसमें मेरे साथ, तो चिंटू जी थैंक यू सो मच बीइंग ए वंडरफुल को एक्टर, और बहुत मजा आया इस फिल्म में। और निशान जी, अनंजय जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फिल्म में कास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का भी अवार्ड हो जाए। हाँ जी, तो गरिमा दीक्षित जी प्लीज आइए स्टेज पर। कॉन्ग्रेचुलेशन गरिमा दीक्षित। दीदिया के देवर दिल ले गए। वेद तिवारी जी इस फिल्म के निर्माता थे। वेद जी मंच पर आ जाएं। एक्टर के घर में अगर रोटी है तो निर्माताओं की देन है, निर्माता को परेशान नहीं करना चाहिए किसी भी एक्टर को, दिल से बोल रहा हूँ ये बात। जोरदार तालियां निर्माता लोगों के लिए भैया। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे सोहन जी, थैंक्स बोलना चाहूंगी मनीष जैन सर को और वेद सर को, और जो हमारे डायरेक्टर हैं नील सर को, अपने को एक्टर चिंटू पांडे जी को बहुत 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 थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट फिल्म था, फर्स्ट डेब्यू, तो इतना अमेजिंग था इनके साथ काम करने में, इतना अच्छा लगा है मुझे दिल से। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए हमको, और अपना प्यार दीजिए, हमारी फिल्म को आगे बढ़ाइए, हमको आगे बढ़ाइए, और बस जय भोजपुरी, जय बिहार, जय भारत, आई लव यू ऑल। ये कार्यक्रम में श्याम परिवार की तरफ से शामिल होकर हमको बहुत अच्छा लगा। आज श्याम स्टील और भोजपुरी सिनेमा का जो रिलेशन है बहुत पुराना है, और हम चाहते हैं ये रिलेशन हमेशा दिन दूना रात चौगुना जो आगे बढ़े, यहाँ के कलाकार, यहाँ की इंडस्ट्री अच्छे से तरक्की करे। आज श्याम स्टील और भोजपुरी सिनेमा का जो रिश्ता है ये अटूट बना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉलिंग अस एंड स्टे ब्लेस्ड। अगला अवार्ड जो है वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है। अवार्ड विनर है राजकुमार आर पांडे जी। ससुरा बड़ा सतावेला के लिए राजकुमार आर पांडे जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल रहा है। दंगल प्ले स्क्रीनिंग एंड स्टेज अवार्ड। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक पिता को उसके बेटे के हाथों से ये अवार्ड मिले। प्रदीप पांडे चिंटू मंच पर आए और राजकुमार पांडे जी को ये अवार्ड दें। मनीष जी को भी आमंत्रित करता हूं कि मनीष जी आप भी आए। जोरदार तालियां। स्टेज पूरा हंसा जलवा कलाकार लोग भी। बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरी सिनेमा का, दंगल प्ले का आज जो लॉन्च हुआ है, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मनीष जी और अक्षत को। और मेरी पूरी विशेष है कि ये ऐप जो है इतना आगे बढ़े, इतना नाम करे, जीवन में एक मिसाल बन के रह जाएगी। ससुरा बड़ा सतावेला पिछले वर्ष की जो है वो 100 डेज पिक्चर हुई है, और इसी चैनल की फिल्म भी है जिस पर चलाई जाती है, उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट फिल्म के लिए विजय यादव जी को, और वो फिल्म है बोल राधा बोल। विजय यादव जी मंच पर आए और ये अवार्ड लें। एक जोरदार तालियां विजय यादव जी के लिए। हालांकि इसके पहले भी इन्होंने फिल्में बनाई थी, लेकिन बोल राधा बोल वाकई न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे बल्कि हर जगह ये फिल्म सक्सेस रही। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। दंगल प्ले स्क्रीनिंग एंड स्टेज अवार्ड। दंगल प्ले स्क्रीनिंग एंड स्टेज अवार्ड। सबसे पहले स्क्रीन एंड स्टेज शो के अवार्ड के, दंगल प्ले के, मनीष सर के, जूरी मेंबर्स वेद जी, मनीष जी, नील भाई, विकास भाई, अपूर्वा सर, मोनिका जी, और भी जितने मेंबर हैं जिन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया, मेहनत किया इस शो को बनाने में, उन सबको धन्यवाद। और बेस्ट फिल्म चुनने के लिए जूरी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब दूसरा क्या बोलूं, सब ठीक है, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, होते रहे। मैं मंच पर उस कलाकार को बुलाने जा रहा हूं जो बॉलीवुड के होते हुए भी देसी ठुमका, भोजपुरी का परचम, हाँ हाँ भोजपुरी का परचम, न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि अपनी अदायगी से, अपने अंदाज से
पूरे विश्व को मजबूर कर दिया जब भोजपुरी अंदाज में बोले। तो आप समझ ही रहे हो, आप समझ रहे हैं किसको बुला रहे हैं। हम उनके बुलावे जा रहा बनी जा बॉलीवुड के द सुपरस्टार हीरो नंबर वन। कभी कुली नंबर वन बने, कभी हीरो नंबर वन बने। तो समझ रहे हैं माननीय श्री गोविंदा जी को मंच पर बुला रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियां। सर, हम सब दिल से चाहते हैं आपके देसी ठुमके को, आपके देसी अंदाज को, भोजपुरी अंदाज को सुना है। आज आपके मुखार बिंदु से हमने की भोजपुरिया सुना दी। आज मैं जो हूँ और मुझ पे जो कृपाएं हैं वो मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी जो कि बनारस से थी, उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा की वजह से मैं गोविंदा हो पाया। और उत्तर भारत से निकला हुआ हर कलाकार पूरी दुनिया में, मैं कहा करता हूँ कि जिस जिस पे काशी विश्वनाथ ने कृपा की है वो संपूर्ण विश्व में छाया। आज रवि है यहाँ पे, दिनेश है, अम्रपाली दुबे है, मनोज है और साथ में केसरी आए हुए हैं यहाँ पे। मैं इन सभी से, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो आज शक्ति प्रदान हो के ये लोग जो आगे निकले हैं ये ऐसा कमाल करें, ऐसा कमाल करें कि भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री जो है लोग याद किया करें। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का ये जो कमाल का जो ये प्रेम है, मैं सदैव कहा करता हूँ कि जो सरल हुआ करता है, जो अच्छा हुआ करता है, वही आगे निकलता है। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। और आज प्रथम, इससे पहले कभी ऐसा कहा नहीं, परंतु मैं कह दूं, मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, उस समय पहली फिल्म उनकी शारदा थी, वो 9 फिल्म की। मेरे पिताजी आदरणीय अरुण जी, वो काफी फिल्मों करके निकल गए, मेरा किसी के पता भी नहीं था, परंतु मातृ कृपा ऐसी हुआ करती है कि जो न भूते न भविष्यते, ऐसी कृपा हो जाती है। जिस वक्त वो कृपा होती है कि माता माता ही व सर्वत्र मातृ देव भव, माताओं की कृपा हो जाती है, आदमी निकलता ही चला जाता है। आज ये काम जो यहाँ पे हुआ है उसमें आप सब आर्टिस्ट जो यहाँ पे हैं, इस मंच पर आप आए, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आपने गौरव, जो परचम हिंदी इंडस्ट्री में लहराया, एक फिल्म आपकी मुझे बड़े अच्छे से याद है, दूल्हे राजा। वो जो लालू जी की स्टाइल में, लालू जी से जो आप बात करके बिल्डिंग के ऊपर वाला माला गिरवा देते हैं, अगर वो दो चार डायलॉग अगर यहाँ हो जाए तो फिर मजा आ जाए सर। देखिए, बहुत सम्मान देके कितना भी कोई बुलवाए, इन्हीं के लिए डायलॉग कहा था, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिए होगा, कितना मजा आ रहा है सर। है तो इनसे, इनके हाथों से 2 अवार्ड जरूर हम लोग लेना चाहेंगे। तो हमारे हीरो नंबर वन के हाथों से भोजपुरी के हीरो नंबर वन को अवार्ड दिया जाएगा। तो देखते हैं कि कौन है आज का बेस्ट एक्टर। गोविंदा जी के हाथों जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है, मैं उनके साथ साथ मनीष जी को भी आमंत्रित करता हूं कि मनीष जी आप भी आएं। भोजपुरी सिनेमा के मालिक, दंगल के मालिक और भोजपुरी सिनेमा को दिनों दिन बढ़ाते हुए बुलंदियों पर ले जा रहे हैं, एक जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। वैसे तो यहाँ पे जो जो मौजूद हैं ये सब इस नज़र से देखें तो सब टॉप के एक्टर हैं और सब अपनी जगह पे बेस्ट हैं, परंतु आज जो यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, आदरणीय केसरी लाल यादव, फिल्म बोल राधा बोल के लिए खेसारी लाल यादव। हमरा से 4 साल छोटा हूँ, उनके हमेशा जब बात करें तो खेसारी बाबू बोले नहीं, तो खेसारी बाबू के बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म बोल राधा बोल खातिर जोरदार ताली। ये बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म बोल राधा बोल के लिए खेसारी लाल यादव।
सबसे पहले तो दिल से थैंक यू भोजपुरी सिनेमा अवार्ड और मनीष भैया को दिल से प्रणाम, या जितने भी हमारे बड़े भाई डायरेक्टर से लेकर जितने भी हीरोइने हैं सबको दिल से प्रणाम, मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, मानी राजकुमार पांडे जी, चिंटू भाई, अमरपाली दुबे जी से लेकर सुभि शर्मा, रत्नाकर भैया, जितने भी हैं सबके प्यार से मैं बड़ा हुआ हूँ। आज मैं इस लायक हूँ हूँ कि नहीं, ये आप सबने ही मुझे तय किया है और आप सबने ही बनाया है, इसीलिए सारा हकदार आप सब हैं कि आप अगर नहीं होते तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं लिट्टी चोखा बेच कर यहाँ तक पहुँचा था। मैं ऐसे आदर्श के हाथ से आज मुझे लगता है कि जीवन की मेरी मैं जितना कमाऊंगा ना और जितना कमाया हूं मुझे आज मिला है कुछ इनके हाथों से जो मिला, जिनको मैं सपने में भी इन्हीं को देखता था। मैं इनसे कभी मिलना नहीं चाहता था, मेरे लिए एक गुलाब की फूल की तरह थे, मैं इनको छूना नहीं चाहता था ताकि ये बिखर ना जाए। ये मेरे दिल की बातें थी भैया, आप मेरे ऐसे आदर से ना कि जिंदगी में कभी कुछ ऐसा मिल जाता है ना जैसे मेरे माता पिता मेरे जीवन में आए, वैसे आप हैं सर, और मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई आज मुझे मिली है वो आपके हाथ से मिली है। एक बार हल्ला तो कर ही दो, आई लव यू गोविंदा सर। ये जो प्रेम यहाँ पे मिला है, मैं मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी का ये लिखा हुआ है, मैं आप लोग के समक्ष थोड़ा से समझे, और ये जो प्रेम जो आप जो दिए हो ये उस लिए खास। जागृत सदा पलक नहीं सो नहीं जाऊं नहीं आऊं, मूल द्वार पे बंद लगाऊं, आसन सिद्ध कहलाऊं, नाशग्र पे दृष्टि ठहराऊं, श्वास में सूत जगाऊं, नहीं जाऊं नहीं आऊं, जागृत सदा पलक नहीं सो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत खुश रहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो प्रेम हम लोगों में है ये सदैव बरकरार रहे और भोजपुरिया ऐसे ही आगे निकलता रहे। लव यू ऑल, लव यू। अब मैं इस मंच पर एक ऐसे विद्रोही कलाकार को बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने भिखारी ठाकुर जी की परंपरा को आगे बढ़ाया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कलाकार की कि जो अपने स्ट्रगल के जमाने में साड़ी पहन करके जब मंच पे नाचता था तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, केहू लवंडा कह के मजाक उड़ोलस, केहू नचनिया कह के मजाक उड़ोलस, बड़ा मजाक उड़ोलस होगा। लेकिन वो कलाकार किसी के उपहास से डरा नहीं भैया, अपना लक्ष्य निर्धारित करके प्रगति के मार्ग पर चलता चला गया और आज वो कलाकार हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड लेवल पे ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, ट्रेंडिंग स्टार। अगले परफॉर्मेंस के पहले एक जोरदार तालियां चाहिए। अरे तो नमो तो बताओ, नाम ना बताए पहले ताली चाहिए। ये ताली की गड़गड़ाहट डबल हो जाएगी अगर उस शख्सियत का नाम ले लिया जाए। बोलो, खेसारी लाल यादव। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आप लोगों के बीच में परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं, और उनके साथ आ रही हैं यामिनी सिंह।
बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ मनीष जी को भी आमंत्रित करता हूं कि मनीष जी आप भी आएं। और मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं श्री सुचंदन चौधरी, क्लस्टर हेड सेल्स अडानी विल्मर लिमिटेड। और साथ ही साथ मैं मनोज भैया, मनोज तिवारी जी को भी मंच पर बुलाना चाहता हूं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देने के। मनोज भैया आ गए हैं हमारे बीच में और मैं मनोज भैया को ये माइक दूंगा। अब भैया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बांटे हम। बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जा रहल बा आम्रपाली दुबे। फिल्म आशिकी के लिए आम्रपाली दुबे को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है। जोरदार तालियां बनता है बॉस, जोरदार ताली हो। चोरी हमारा दिल के बात भोजपुरी के सम्मान हुई, पूरा दिल के अरमान हुई। भोजपुरी के सम्मान हुई, पूरा दिल के अरमान हुई। थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं,
आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आप लोगों से यही प्रे करती हूँ कि ये आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे, मैं कभी काम तो नहीं कर पाई सर, पर मेरा सपना है कि मैं आपके साथ काम भी करूँ। आपके हाथों से आज मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा इंडस्ट्री में आना सफल हो चुका है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पराग पाटिल सर, ये आशिकी के लिए मुझे मिला है अवार्ड। आप हमेशा अपनी सब फिल्म में मुझे कंसिडर करते हैं एज अ लीड एक्ट्रेस। इट मेक्स मी फील वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच प्रदीप शर्मा जी, थैंक यू खेसारी जी इतने अच्छे को स्टार होने के लिए। थैंक यू टू द होल टीम ऑफ आशिकी। थैंक यू सो मच। एक अगला अवार्ड है बेस्ट व्यूअर्स अवार्ड मेल। दंगल प्ले के डायरेक्टर अक्षत सिंघल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं ये अवार्ड देने के लिए। दंगल प्ले बेस्ट एक्टर व्यूअर्स चॉइस अवार्ड गोज टू प्रदीप पांडे चिंटू जी। भोजपुरी के सम्मान हुए, पूरा दिल के अरमान हुए। भोजपुरी के सम्मान हुए, पूरा दिल के अरमान हुए। सितारन के अभिनंदन बा, आदर्शक के भी वंदन बा। केकरा माथे चढ़े अबकी नंबर वन के ताज, केकरा माथे चढ़े अबकी नंबर वन के ताज। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड। थैंक यू सो मच, दिल से अभिनंदन आप सभी का। जो चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ मुझे प्राप्त हो, मेरे हाथों में हो, तो मेरे साथ वो लोग हो जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिन्होंने इसको जन्म दिया है। अगर ये एक्टर के लिए अवार्ड मिला है तो मेरे बगल में दो ऐसे एक्टर हैं जिन्हें मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। आपकी कीर्ति, आपका नाम, आपने जो अचीव किया है जीवन में, आपको देखकर हम लोग उसी राह पर आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी रहूँ आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे। ये जो मोस्ट डिजर्विंग है, जिनके शुभ हाथों से मुझे मिला, मेरे परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे मित्र, मेरे सारथी, मेरे टीचर, मेरे गुरु, मेरे पिता, जिनके हाथ से ये अवार्ड मिला, जिनकी वजह से आज जो भी हूँ मैं, जो भी कर रहा हूँ, जो भी कुछ सीखा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ ये भी इन्हीं की देन है, इन्हीं से सीखा हूँ। और साथ साथ जितने भी मेरे सामने सिनेमा परिवार के लोग बैठे हुए हैं, ये आप सब की देन है। आप सब से कुछ ना कुछ सीखा हूँ, आप सब ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। आप सब नहीं होते मेरे को एक्टर्स तो शायद मैं आज यहाँ तक मैं सच में नहीं पहुँच पाता। ये आप सब की देन है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे भोजपुरी सिनेमा परिवार के लोग, सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मेरे पूरे भोजपुरी समाज का अभिनंदन करता हूँ। अपने चिंटू पर बस ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। प्रयास करता रहूंगा कि बेहतर काम करता रहूं, अच्छा काम करता रहूं। और जिस तरीके से आपने भोजपुरी को एक जो मार्ग दिखाया है, और आज मार्ग नहीं, आज तो आप लोगों ने उसको वहां तक पहुंचाया है, बस उसको थोड़ा बहुत हम लोग जितना हो सके प्रयास करें कि उसको और ऊंचाई तक लेके जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भोजपुरी के सम्मान हुए, पूरा दिल के। अभी जब चिंटू के पुरस्कार मिलल है तो हमरे पास रहल, थोड़े देर पहले आयल तो हमरा के कलस कि भैया आप हमको प्यार नहीं करते। तो पहले तो हमें लगल कि ऐसे जब कोनो बच्चा हमनी के साथी बाद बहुत दिन बाद मिले तो ओकरे मन में ऐसा भाव आ सकेला। लेकिन हम चिंटू के भी और सब लोग के, संजय पांडे हो, अभी देव जी से परिचय भइल आज, और जितना एक्ट्रेस लोग बा, जितना एक्टर लोग बा, ऐसा कभी मत समझना कि मनोज आपको कम प्यार करता है या मनोज आपको देखता नहीं। पूनम हो, यश हो, अंजना हो, हम हर दिन सोने के पहले 40-50 मिनट भोजपुरी सिनेमा पर आप लोगों को देखता हूँ। मनीष भाई आप मंच पर आइए एक बार। भोजपुरी सिनेमा का बेस्ट अभी आने वाला है। अ
अभी भोजपुरी सिनेमा का बेस्ट बाकी है, हमारा स्वर्ण काल अभी आया नहीं, अभी स्वर्ण काल हमनी के आवे वाला बाटे। कितना बच्चा गर्भ में पल रहल बड़ा सन जेके बनैया सन। अभी सीसीएल में जब हमनी के खेलत आने जा तो चेन्नई, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम ये सब लोग अब भोजपुरी सिनेमा देखे लागल बा। ऐसे डायरेक्टर लोग, राइटर लोग, लिरिक राइटर लोग निकले आवाजा। हमार अनुमान बाटे कि भोजपुरी सिनेमा के बेस्ट टाइम आज के 5 साल बाद आवे वाला बाटे। लगल रहे और भाई हो जे जे आयल बाटे जिंगा दर्शक बन के, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। चिंटू बाबू कम टू पॉइंट, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम सब से हमको बहुत उम्मीद है आप सभी। थैंक यू। और हम ये जानते हैं कि आप बहुत प्यार करते हैं, ये तो आपसे निकलवाना था कि आपकी जो दिल की भावना जो दबी हुई थी, मैं चाह रहा था कि आप ये बात बोले कि जितने लोग जो बात ये समझ रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि मनोज जी वो नहीं हो सकता, वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ एक फिल्म किया है, आपके उस भाव को जानता हूँ, उस इमोशन को जानता हूँ। एंड थैंक यू सो मच। और मैं एक बहुत ही खूबसूरत नाम जो मेरे दाएं तरफ खड़े हैं, अक्षत भाई जो हमारे मनीष सिंघल जी के सुपुत्र हैं, पहली बार जब मिला अक्षत भाई से, आई फाउंड हिम सो जेंटल, सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल पर्सन। ये भाई जो मेरा है कमाल है, जो हमारे मनीष जी हैं वो स्वयं इतने अच्छे और इतने कुशल, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ और इतने हम्बल, और ख़ास करके भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी लोगों से जो उनका प्रेम है, वही प्रेम मैंने अक्षत भाई की तरफ से भी देखा भोजपुरियों के लिए, भोजपुरी सिनेमा के लिए और हम सभी के लिए। सो थैंक यू अक्षत फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ, मतलब इन्होंने दंगल प्ले को जो आज लेकर आया है, मैं दिल से बताऊं, मैं जब सुनता हूं तो आई फील सो प्राउड कि अक्षत भाई आप कमाल कर रहे हो यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, लव यू ब्रदर। भोजपुरी के सम्मान हुए पूरा दिल के। यश कुमार को आज के लिए विदा दीजिए और पूनम दुबे को भी हर हर महादेव। स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड।